बी अ पार्ट ऑफ पावरफुल डिजिटल न्यूज नेटवर्क नवी मुंबई नेटवर्क, तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नवी मुंबई में कोरोना संक्रमण मरीजों के बढ़ते आंकड़े और इस बढ़ते आंकड़ों के लिए नवी मुंबई के नागरिकों द्वारा लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन न करने के कारण आज ठाणे जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय में मनपा आयुक्त अरुणा साहेब मिसाल और पुलिस आयुक्त संजय कुमार के साथ संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक पर विशेष तौर पर सांसद राजन विचारे, ठाणे जिला के जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर समेत नवी मुंबई पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में नवी मुंबई के कुल 10 क्षेत्रों में 29 जून से लॉकडाउन करने का निर्णय लिया गया है, जो लॉकडाउन 7 दिनों तक जारी रहेगा। बता दें कि लॉकडाउन वाले क्षेत्रों में किराना और अत्यावश्यक सेवाओं की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की गतिविधियां करने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई गई है। इस बैठक के दौरान मीडिया से बात करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि नवी मुंबई के जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं या जो कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट क्षेत्र बन रहा है, उन तमाम हॉटस्पॉट्स में कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर उन क्षेत्रों में लॉकडाउन जारी कर कड़े तौर पे नियमों का पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। स्क्रीनिंग मोठ्या प्रमाणावर केल्यामुळे अर्ली स्टेजला रुग्ण डिटेक्ट होतो, त्यामुळे तो इतर लोकांच्या संपर्कात आयसोलेट केल्यामुळे येत नाही आणि त्यामुळे इतर लोकांना होणारा संसर्ग आपण रोखू शकतो। त्यामुळे स्क्रीनिंग तर मास स्क्रीनिंग मोठ्या प्रमाणावर तो आपल्याला करावीच लागेल, परंतु काही जे पॉकेट्स आहेत या पॉकेट्समध्ये जे काय प्रमाण वाढत आहे ते लक्षात घेता दोन्ही अधिकारी आपले पोलीस आयुक्त, महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी देखील इकडे बैठकीमध्ये होते आणि त्यांनी स्पॉट आयडेंटिफाय केल्यानंतर ते देखील 1-2 दिवसामध्ये ते देखील आपल्याला पूर्ण परिस्थिती 29 तारखेपासून आपल्याला काही नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर मागणी देखील आहे की अशा भागामध्ये ज्या पॉकेट्समध्ये वाढतं आहे त्या ते वाढतं प्रमाण रोखण्यासाठी ही देखील आपल्याला उपाययोजना केली पाहिजे आणि ती देखील उपाययोजना केली जाईल। परंतु नागरिकांना माझी नम्र विनंती आहे की हे शासन, जिल्हा प्रशासन, महापालिका प्रशासन, आपण सगळेजण काम करतोय लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी। लोकांनी देखील ज्या ज्या उपाययोजना, जे ज्या सूचना आपण देतोय त्याचं देखील पालन करून या ठिकाणी सुरक्षित अंतर ठेवलं पाहिजे, मास्क वापरला पाहिजे, सॅनिटायझर वापरला पाहिजे, हे सगळ्या ज्या काही सूचना आहेत त्यांचं देखील पालन करण्याची त्यांना देखील विनंती आहे, कारण हे सगळं जे काही उपाययोजना आहेत त्या त्यांच्याच आरोग्यासाठी आपण करतो। ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।